Hello students, my name is Vineet and you are welcome to AglaSem School. Today in this video, I will be discussing exercise 3.6 of chapter 3, that is playing with number. So let's move on to the question answer of this exercise. The first question is, find the HCF of the following numbers. आपको following numbers के HCF find करना है, highest common factor. जो first part है, वो है 18 and 48. तो इसका हम factor करें अगर तो 2 into 3 into 3, और ये होगा 2 into 2 into 2 into 2 into 3. तो हमारे पास ये common आया और ये common आया. तो हमारा HCF जो होगा वो होगा 2 into 3, that is 6. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट है 30 and 42. B is 30 and 42. तो इसको करें तो 2 into 3 into 5, और ये हो गया 2 into 3 into 7. ठीक है, कॉमन यहाँ पे ये और ये आया. अगेन 2 into 3, दैट इज 6. तो ये इसका एचसीएफ हो गया. नेक्स्ट 18 and 60. ये हो गया 2 into 3 into 3, 2 into 2 into 3 into 5. यहाँ पे अगेन ये और ये कॉम, सो ये भी 6 हो गया एचसीएफ. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट है 27 and 63. ठीक है, इसको करे तो 3 into 3 into 3, और ये हुआ 3 into 3 into 7. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन मिला, ये और ये. सो हमारा ये 3 into 3 is 9, सो एचसीएफ इज 9. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज 36 and 84. 36 and 84, इट्स ई पार्ट. तो इसको हम करें तो 2 into 2 into 3 into 3. ठीक है, और ये हो गया 2 into 2 into 3 into 7. तो यहाँ पे ये और ये और ये को, तो 2 into 2 is 4 and 4 into 3 is 12. सो इसका एच सी एफ हुआ 12. नेक्स्ट पार्ट इज एफ 34 and 102. 34 and 102. ठीक है, एफ पार्ट, इसको करें तो 2 into 17, और ये करें तो 2 into 3 into 17. ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन मिला और 17 कॉमन मिला, सो ये 2 into 17 is 34. तो इसका एचसीएफ हो गया 34. जी पार्ट है 70, 105 and 175. जी 70, 105 and 175. तो यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, तो हम 3 नंबर का भी उसी तरीके से करेंगे जैसे हम 2 नंबर का करते थे. फैक्टर 2 into 3, 5 into 7, और ये हो गया 3 into 5 into 7. ठीक है, और ये हो गया 5 into 5 into 7. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉमन क्या मिला, 5 और 7. सो यहाँ पे जो एच सी एफ हुआ 5 into 7, जो कि 35 होगा. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट एच 91, 102 and 49. ठीक है, चलो इसको करते हैं. ये हो गया आपका 7 into 13, ये हुआ आपका 2 into 2 into 2 into 2 into 7, और ये हुआ 7 into 7. तो यहाँ पे सिर्फ 7 कॉमन मिला, सो इसका एच सी एफ हो गया 7. नेक्स्ट पार्ट है आई पार्ट 18, 54, 81. आई पार्ट 18, 54, 81. ठीक है, 2 into 3 into 3,
2 into 3 into 3 into 3 और ये हो गया 3 into 3 into 3 into 3, तो यहाँ पे ये और ये कॉमन वाला, यानी कि 3 into 3 is 9, तो यहाँ पे 9 आएगा। जे पार्ट लास्ट पार्ट है 12, 45 and 75, जे 12, 45, 75, 2 into 3 into 2 into 2 into 3, ठीक है, और ये हो गया 5 into 5, और हाँ ये 3 से भी होगा 3 into 5 into 5, ठीक है। यहाँ पे कॉमन क्या मिला 3, तो यहाँ पे ऐसे हुआ 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ कंसेक्यूटिव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुछ कंसेक्यूटिव नंबर के एचसीएफ क्या होंगे, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का एचसीएफ, तो हम लेते हैं 6 और 7, ठीक है, 6 7, 2 into 3 7 into 1, यहाँ भी 1 कर सकते हैं, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1, ओके। उसका अगला पार्ट है इवन नंबर, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर का क्या होगा, तो दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर हम ले ले अगर 8 और 10, तो ये 2 into 2 into 2 2 into 5, तो यहाँ पे क्या मिलता है सब कॉमन 2, तो यहाँ पे एचसीएफ 2 होगा, यानी कि दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एचसीएफ हमेशा 2 होगा। नेक्स्ट पार्ट, टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का लेते हो 9 और 11 लेते हैं अगर, 3 into 3 और ये हुआ 11, इंटू 1 कर सकते हैं, इंटू 1, तो यहाँ पे 1 ही कॉमन मिला, तो यहाँ का एचसीएफ 1, यानी दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का जो एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 होगा। थर्ड क्वेश्चन, एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 एंड 15 वाज फाउंड एज फॉलोज बाय फैक्टराइजेशन। 4 इज इक्वल्स टू, लिखते हैं 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, एंड 15 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, सो एचसीएफ ऑफ 4 एंड 15 इज 0, इज दिस आंसर करेक्ट, इफ नॉट देन व्हाट इज द एचसीएफ। नो, दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर विल बी, यहां पे आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो द करेक्ट आंसर विल बी 1, ओके। So that's it from this video. I hope this video will really help you all in completing your exercise. Like this video and share it with your friend. And yes, do not forget to subscribe to AglaSem School so that you can never miss any video from us. We will be back with next chapter. Till then, bye.